देखो प्रेम, गुरु महाराज जब उस समय मौजूद थे, जो लोग गुरु महाराज के पास पहुंचते थे उनको तो सत्संग सुना देते थे, बात बता देते थे, और उसके बाद में अन्य लोगों को अधिकार दे देते थे कि जाओ इनको समझाओ, जाओ इनको शाकाहारी बनाओ, जाओ इनको नशा मुक्त बनाओ, जाओ इनके अंदर अनेक पैदा करो नामदान लेने की इच्छा, जय गुरुदेव नाम के बारे में इनको बताओ। बताते कि नहीं बताते थे? कितनी बार मुझे को चिट्ठी लिख करके जगह जगह भेजा, तो मेरी चिट्ठी तो मुझ ना चीज के लिए प्रेमियों अलग ही गुरु महाराज ने लिखा। यहाँ तक गुरु महाराज ने उस समय लिख दिया था कि इनको मैं भेज रहा हूँ। उमाकांत तिवारी लोग कहते थे, उमाकांत तिवारी को मैं भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि मैं ही आने का मतलब क्या है। ताकत देते थे, वो शक्ति देते थे, वाणी में शक्ति देते थे, ताकत देते थे प्रेमियों। तो कहने का मतलब यह है कि एक जगह से अनेक काम संत नहीं करते हैं मनुष्य शरीर में रहने के नाते, उनका पावर उनकी शक्ति काम करती है। और यह भी सत्य है कि जिस जीव को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। यह जरूर रहा है कि चाहे चार जन्म लेना पड़ा है लेकिन मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा को दिलाए ही नहीं। शरीर की मुक्ति शमशान घाट पर हो जाती है, मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है, तब कहते हैं मुक्ति हो गई इनकी। ऐसे जब जीवात्मा वहां पहुंचती है तब ये वापस नहीं आती है, तो उसको मुक्ति, सच्ची मुक्ति उसी को कहते हैं। तो कितनों को मुक्ति मोक्ष दिला दिया। अब जब चले गए तो आप लोगों ने सुना होगा, मेरा ही नाम लेकर गुरु महाराज कहे थे कि ये नए लोगों की को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। जब मुंह से गुरु महाराज कह करके गए, और जब गुरु महाराज मंच पर खड़ा होकर के कोई ऐलान किया कि ये हैं, इनको पहचान लो, इनको देख लो, इनको, इनका दफ्तर खुला रहता है, 24 घंटे दफ्तर खुला रहता है इनका। अब आप ये समझो कि एक आदमी पूरे दफ्तर को कैसे संभाल सकता है इस शरीर से, लेकिन उनकी दया से मुंह खोए बाजाल पंग चढ़े गिरवर गहन कहा गया ना। तो अब आप समझो उनकी दया से अनि ताकत उन्होंने उस समय दिया, और जाने से पहले बोल करके गए कि ये पुरानों की संभाल करेंगे। तो मेरी बात पर तो आपको गौर करना चाहिए, आपको जो पुराने लोग हो गौर करना चाहिए कि गुरु के जब यह बात है तो गुरु यानी की बातों को ही आप यानी मेरी आवाज में समझ करके आप ये समझो कि जैसे उनकी आवाज जो गुरु महाराज की थी उसको जो मैं याद दिला रहा हूँ, इसी पर आप विश्वास कर लो और आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ, करने लग जाओगे, अंतर में गुरु की जब पहचान हो जाएगी तब आप गुरु के लिए मरने मिटने के लिए सब कुछ तैयार हो जाओ। जब ये देखोगे कि गुरु ही शरीर को चला रहे हैं, गुरु ही धन दौलत अन्न पानी सब दे रहे हैं, गुरु ही मेरे बच्चों की संभाल कर रहे हैं, तो अब आप ये समझो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब वो ऐसा भाव पैदा कर देंगे कि यहाँ मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, करता करे न कर सके, और गुरु करें सो होए, गुरु ही सब कुछ जब कर रहे हैं, तो हमको गुरु की बातों को ही पकड़ लेना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए।